क्या केवल सुबह का समय, शाम का समय मंदिर जाने का होता है? इसके सिवाय हम मंदिर नहीं जा सकते? तो एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, पहले तो मंदिर बताओ कि किस मंदिर में जाने की बात कर रहे हो। आप कौन से देवता के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो? आप अगर राजा राम जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो समय पर सुबह जाओ, शाम को जाओ, ठीक है। आप अगर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, जो समय लिखा है उस समय पहुंचो। आप दत्त भगवान के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ। आप गणेश जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ। मना नहीं। आप जितने भी देवता हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मंदिर क्या हम सवेरे और शाम को ही जा सकते हैं? तो आपसे निवेदन है, जिस बेटे ने यह प्रश्न करा है, आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर सही उनको जवाब मिलना भी चाहिए। आप अगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हो, राम जी के मंदिर जा रहे हो, आप कृष्ण के मंदिर जा रहे हो, आप दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हो, आप किसी अन्य देवता के मंदिर जा रहे हो, तो सुबह और शाम जाइए। पर यदि आप शंकर और जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, भवानी के मंदिर में अगर जा रहे हो तो कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ और बाप के रूम में बेटा कभी भी जा सकता है। माता और पिता तो बाहें पसारे खड़े हैं, मेरे राम अयोध्या के राजा हैं, मेरे राम वन में विचरण भी करे हैं 14 वर्ष, पर मेरे राम अयोध्या के राजा बनकर बैठे हैं। तो राज्यसभा में एक समय की सीमा होती है कि राजा कब बैठेंगे और राजा से कब मिलना है। मेरे भगवान द्वारका के राजा हैं कृष्ण, ब्रज के राजा हैं मेरे बिहारी जी, मेरे राधा रमन लाल जी। एक समय सीमा है कि भगवान कब मिलेंगे, राजपाट में कब प्राप्त होंगे। दत्त भगवान गुरु हैं, साधक हैं, उपासक हैं, एक गुरु के पास, एक साधक के पास, एक उपासक के पास में समय देखकर जाना पड़ता कि कहीं वो तप साधना में तो नहीं लगे हैं।